यूपीपीसीएस की परीक्षा कोई एक साल नहीं होती है, प्रत्येक साल होती है। 2019 में हुई थी, 2020 में होने जा रही है, 2021 में भी होगी। आज फिर से आपके सामने मौका है 2020 में। तो ये कोई एक साल नहीं होती है, ये परीक्षा तो प्रत्येक साल होती है। और प्रत्येक वर्ष चाहे एसडीएम का पोस्ट हो या फिर नायब तहसीलदार का पोस्ट हो या फिर डीवाईएसपी का पोस्ट हो, इन सभी पदों पर प्रत्येक वर्ष उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होता है। किनका? जो शुरू से ही अपनी परीक्षा की रणनीति मुख्य परीक्षा के लिहाज से बनाते हैं। इन सभी पदों पर उन उम्मीदवारों का चयन होता है जो इसे हर्डल नहीं मानते हैं, जो इसे कोई चुनौती नहीं मानते हैं, वो इसे चुनौती मानते हैं। जो इसे चुनौती मानते हैं, बेशक वो कभी कभार पास कर जाते हैं प्रीलिम को, लेकिन यहां वो खाली हाथ जाते हैं, बिना किसी हथियार के पहुंचते हैं। उनके पास न कोई योजना होती है, न ठोस कार्यक्रम, बस ऐसे ही जाके मुख्य परीक्षा देने की एक औपचारिकता पूरी कर ले जाते हैं। आप अगर इसको अनदेखा करके सारी ऊर्जा अपनी प्रारंभिक परीक्षा में झोंक देंगे तो उससे क्या हासिल होने वाला है? आप 2018 में भी प्रीलिम पास किए थे, 2019 में भी किए थे, 2020 में भी करेंगे और 2021 में भी करेंगे। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में जीएस के चारों प्रश्न पत्र अब सब्जेक्टिव हो गए हैं, यानी लिखित हो गए हैं। जीएस के आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अब एक हो गया है, पहले दो होता था। और जीएस के प्रश्न पत्र जहां पहले दो होते थे और ऑब्जेक्टिव होते थे, अब चार प्रश्न पत्र कर दिए गए हैं और चारों प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव प्रकृति के कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि जब तक मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास कोई ठोस योजना और कार्यक्रम नहीं होगा, ठोस तैयारी नहीं होगी, तब तक साल दर साल आप कितना भी प्रीलिम एग्जाम पास कर लें, आप लिखित परीक्षा को पास कर ही नहीं सकते। तो हमारा एक प्री कमेंस बैच जो 24 जनवरी से चलाया जाने वाला है, उसमें आप एडमिशन की प्रक्रिया जान सकते हैं। फीस भी मामूली रखी गई है प्री कमेंस दोनों परीक्षाओं के लिहाज से। आपको बस इतना बता दूं कि आप चाहें तो हमारे प्री कमेंस बैच में, जो कि 24 जनवरी से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है? 24 जनवरी से, अभी से प्रीलिम के साथ साथ हमारे प्री कमेंस में न केवल प्रीलिम की तैयारी कराई जाएगी बल्कि मेंस की तैयारी कराई जाएगी, दोनों परीक्षाओं की एक साथ कराई जाएगी। तो 24 जनवरी से आप प्री कमेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9918000454। इस पर अगर आप व्हाट्सएप क्या करेंगे, इस पर आप यूपीपीसीएस एंट्री लिखकर भेजेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप यूपीपीसीएस एंट्री लिखकर भेजेंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस बताया जाएगा। और 24 को हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या 24 से मैं एडमिशन नहीं ले पाया, मान लेते हैं 26 से ले पाया, तो क्या 24-25 की क्लासेस नहीं देख पाऊंगा? ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक वीडियो आप 5 बार कभी भी दे सकते हैं। भले ही आप 24 को नहीं देखे, 25 को नहीं देखे, 26 को नहीं देखे, आप 28 को भी ज्वाइन करेंगे तो 24 जनवरी से जो भी वीडियोस प्री और मेंस के लिए बने हुए हैं, जो नोट्स गए हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्रत्येक वीडियोस में अधिकतम 5 बार देखे जा सकते हैं। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वो एक ही बार में देख लेता है, और नहीं है तो 10 बार भी मैं लिमिट दे दूंगा, कुछ हासिल नहीं होता है। वैसे भी जब हम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां एक क्लास एक बार चलती है, आप उसे रिवाइंड भी नहीं कर सकते हैं। इसको तो आप 5 बार देख भी सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो सुविधाएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा सुविधा भी कमजोरी उत्पन्न करती है। आप 5 बार लिमिट को चुनौती मानिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये बात तो बहुत सालों बाद समझ में आती है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ये समय नहीं दिया गया है 5 महीने का। ये 5 महीने का जो समय दिया गया है, ये प्रीलिम की तैयारी के लिए आयोग ने नहीं दिया है। ये समय आपको आयोग ने मुख्य यानी वास्तविक परीक्षा की तैयारी के लिए दिया है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे और एक ही सवाल करेंगे कि जब तक प्रीलिम नहीं पास होगा तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना तो बेवकूफी है, नहीं, ये गलत सोच है, इससे जल्दी उबरना पड़ेगा। आपको अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। 2020 की यूपीपीसीएस परीक्षा एक बार ठीक उसी तरह से आपके सामने है जिस तरह से 2018 में थी, 2020 में है, 2019 में थी, फिर से 2020 में ये परीक्षा आपके सामने है। 21 जून को प्रारंभिक परीक्षा है, आज से 5 महीने बाद, और आज से 8 महीने 20 दिन बाद आपके सामने मुख्य परीक्षा है। अब आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, वास्तव में आपकी चाहत क्या है, ये है या ये है? आप सोचिए कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। सही मायने में आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प ये है कि आप अभी से
प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की गंभीर तैयारी शुरू करिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेली 2-3 घंटा देने के अलावा अपना सारा का सारा समय आप मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए और आज से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। डेली 2-3 घंटा थोड़ा थोड़ा जीएस पढ़ते रहिए, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा की 50% तैयारी स्वयं हो जाती है। जब आप मुख्य परीक्षा की गंभीरता से तैयारी करेंगे तो इसकी 50% तैयारी स्वयं हो जाती है। अब दूसरा विकल्प क्या है आपके सामने? दूसरा विकल्प है कि मुख्य परीक्षा से को पूरी तरह से दरकिनार कर दीजिए। यार 3 महीना 20 दिन तो बचेगा ना, वहां पे तैयारी करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत हद तक संभव है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 3 महीना 20 दिन का समय आप कैसे बिताएंगे, क्योंकि यहां पे आपने मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा नहीं इन 5 महीनों में। तो इन 3 महीने 20 दिन में आप दूसरों से पूछते हुए फिरेंगे कि कौन सा नोट्स खरीदें, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें। यही पूछते पूछते निराशापूर्वक 3 महीने 20 दिन बिताएंगे और या तो हौसला टूट गया तो परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे, अगर फिर भी हौसला थोड़ा बहुत बच गया तो परीक्षा हाल में प्रत्येक पेपर में 3 घंटा बैठकर सोचेंगे कि ये मैंने अपने साथ क्या कर दिया। ये बहुत ही मुश्किल है कि 3 महीने और 20 दिन की तैयारी करके आप मुख्य परीक्षा को एंजॉय कर पाए, उसका आनंद उठा पाए। मुख्य परीक्षा का आनंद आप तभी उठा पाएंगे जब अभी से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, जो कि वास्तविक परीक्षा है। मेरे ख्याल से आपको अपनी योजना मुख्य परीक्षा को पूरी तरह से दरकिनार करके, पूरी तरह से इसे अनदेखा करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं बनानी चाहिए। आपकी योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो वास्तविक परीक्षा है आप उसे पूरी तरह से काट दीजिए, अलग कर दीजिए और अगले 5 महीने आप केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़िए। ऐसी योजना आपकी नहीं होनी चाहिए।